हार्ट ब्रेक तो किसी भी तरीके का हो सकता है ना, जरूर थोड़ी प्यार का ही हो। फर्स्ट हार्ट ब्रेक 2020 इज माई हार्ट ब्रेक। यार मुझे तो मुंबई में ही किया था किसी ने फर्स्ट टाइम लव प्रपोजल। किस तो चीक पे भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने चीक वाला तो पूछा नहीं। पूछे? अच्छा भाई, तभी बोल रही हूँ। फर्स्ट अचीवमेंट मैं सही में सब मैं मानूंगा जब मुझे स्टेज पे चढ़ के अपने पापा को जब मैं तेवर कर रहा था तो अवार्ड मिला था मुझे, तो मुझे बोलने का एक मौका मिला था अपने पापा को। मेरा हाई स्कूल में ही भाई बहुत बिहार के हैं तो बहुत किया है यार, रोड वोड पे बहुत 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 एक्शन से भरपूर। फर्स्ट लव प्रपोजल मेरे लिए था व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। यार मुझे तो मुंबई में ही किया था किसी ने फर्स्ट टाइम लव प्रपोजल। किस तो चीक पे भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने चीक वाला तो पूछा नहीं। पूछे? अच्छा भाई, तभी बोल रही हूँ। फर्स्ट केस बताओ। मैं 20 साल का था बिहार में, हाँ, एट द एज ऑफ 20। अब कम करके नहीं ज़्यादा करके बता रहा, ठीक है? क्यों? ऐसे ही। व्हेन आई वाज 19 देहरादून में। फर्स्ट हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक तो किसी भी तरीके का हो सकता है ना, जरूर थोड़ी प्यार का ही हो। फर्स्ट हार्ट ब्रेक 2020 इज माय हार्ट ब्रेक। 2012-13। जब मैं क्लास 9th में थी, ऋतिक रोशन कहो ना प्यार है, वैजयंती माला, साहेब भी गुलाम। माय फर्स्ट मोमेंट ऑफ अचीवमेंट वुड बी जब मैं स्पोर्ट्स में थी और मैं हर्डल्स में आई केम थर्ड इन माय स्टेट लेवल चैम्पियनशिप। यार मैं स्टेट लेवल से क्रिकेट खेल चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैरम बोर्ड जीत चुका हूँ, बैडमिंटन जीत चुका हूँ और ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत किया है। फर्स्ट अचीवमेंट मैं सही में सब मैं मानूंगा जब मुझे स्टेज पे चढ़ के अपने पापा को जब मैं तेवर कर रहा था तो अवार्ड मिला था मुझे, तो मुझे बोलने का एक मौका मिला था अपने पापा को, तो वो अचीवमेंट मानूंगा मैं कि वो मुझे बोलना था अपने डैड को और वो मैंने अचीव किया और मैंने बोला उनको, सो वो मेरे लिए रहेगा। आई थिंक मैंने जो पहली मूवी जो देखी थी वो थी बीवी हो तो ऐसी, और वो मुझे बहुत ही कमाल की लगी थी। घर में बैठ के सब साथ में बैठ के देख रहे थे क्योंकि पहले चैनल्स ज़्यादा आते नहीं थे और जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे थिएटर भी नहीं था, सो दैट वाज माय फर्स्ट मूवी एंड दैट चेंज माय परसेप्शन आल्सो दैट वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थी पूरी कहानी, सो आई लव दैट फिल्म। यार मेरी लाइफ में ऐसी एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस मूवी ने मेरा परसेप्शन सच में चेंज किया था अबाउट लाइफ, सिनेमा पैराडिसो करके एक फिल्म है, वो फिल्म थी, और उसके बाद श्रिंडलर्स लिस्ट एंड रंग दे बसंती शोले। भाई इतने बात निकलते जाएगा मालूम है तुम्हें। फर्स्ट पब्लिक फाइट नहीं, आई थिंक 2 years बैक। मुझसे क्या कुछ मैं हमारी हुई है पब्लिक फाइट, कभी नहीं हुई मेरी पब्लिक फाइट। I've never fought publicly. हाँ, 2 years back. Never went publicly, ना? That's why. मेरा हाई स्कूल में ही भाई बहुत बिहार के हैं तो बहुत किया है यार, रोड वोड पे बहुत 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 एक्शन से भरपूर। I have never felt cheated. रहने दो। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलूँगा, अरे यार मैंने कभी लाइफ में कोई भी कोई क्वेश्चन पास नहीं किया है। अब फर्स्ट टाइम चीटेड क्या सी, मैं मुंबई की बात बताता हूँ, पहले ना उतना कोई केयर नहीं करता था हमारे गाँव में, चल ना दोस्त है छोड़े ये वो। यहाँ पे आके एक काम था ऐसा जो मैं करने वाला था और पता नहीं वो हो गया मेरा सब कुछ, और फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे हटा दिया और जो भी गेटअप वेटअप जो सब का दूसरा लड़का उसी से मैं कर रहा था, सो मुझे वो बहुत चीटेड लगा था क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया था उस काम के लिए यार, सो फर्स्ट टाइम आई फेल्ट मोस्ट स्पेशल
दैट इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे बर्थडे पे ही उन्होंने मेरे को एक सरप्राइज पार्टी प्लान की थी एंड या दैट वॉज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी. आया है ऐसे 3-4 बार मेरे को लाइफ में ऐसे. तो सी स्पेशल बताता हूँ मैं यार. सही पहली बार तो मुझे बहुत लगा स्पेशल तभी जब मैं अपने गांव गया था तेवर करने के बाद, जब मैं कुल्फी कुमार बाजे करने के बाद. तो जिस तरह से लोगों का जो नज़रिया था ना मेरी बातों को लेके या जो मैं सोचता हूँ उन पे, जो मैं पहले सोचता था उन सब चीज़ों को भी लेके, तो जिस तरह से उन लोगों ने ट्रीट किया वो बहुत स्पेशल था. वो कभी मैंने लाइफ में फ़ील नहीं किया था उस चीज़ को.